भैया के शादी का है आज तीसरा दिन और आज है हल्दी कलश। तो सत्यनारायण भगवान का कथा खत्म होने के बाद अभी हो रही है आरती। आरती होने के ठीक बाद ही लोग आरती का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर हम लोग प्रसादी चलाने लगते हैं। सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने ये आ जाता है कि अब बजरंगबली के ध्वजा को कैसे खड़ा किया जाए, ऊपर ही तो टेंट बांधल है। हमारे यहाँ एगो नया रिवाज बना है दोस्तों कि जब भी कोई रस्म शुरू होगा उससे पहले जम के फोटो शूट होता है। हल्दी कलश के ठीक बाद ही भोज होने वाला है तो सभी लोग मिल के भोज की तैयारी करवा रहे हैं। अपना दही सबको प्रदान करते हुए उत्पल मैम का दही आपको कैसा लगा? जबरदस्त। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। सारे गांव के लोगों को खिलाने के बाद अब बारी आता है खुद खाने का। तो भैया बिना पवित्री चले तो हमारे यहाँ भोजन शुरू ही नहीं होता है। अच्छे से खाने के बाद लास्ट में दही चीनी एकदम मस्त मिला के मार लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नए मिनी ब्लॉग।